हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं निकेश सिन्हा अपने इस छोटे चैनल नॉलेज सप्लाई में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे घात एवं घातांक, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर ले और बेल नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन में रखें, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए चलिए देखते हैं। तो आ गए दोस्तों घात एवं घातांक में। मतलब घात मतलब पावर एंड घातांक मतलब इंडेक्स दोस्तों। तो ये देखते हैं कि घात एवं घातांक होता क्या है। देख लीजिए दोस्तों, यदि किसी संख्या में p को n बार p से गुणा किया जाता है तो गुणनफल को p का nवा घात कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि p का पावर n मतलब कि n बार मल्टीप्लाई। मान लीजिए अगर 5 का पावर 3 है तो ये 5 है, ये 3 बार होगा मल्टीप्लाई दोस्तों। 5 × 5 × 5 मतलब कि कहने का मतलब कि जो है पी का पावर एन है, जो एन टाइम मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि जितना अगर नंबर है जो बेस है उसका जितना पावर होगा वो इतना बार मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि एन टाइम तो एन बार मल्टीप्लाई होगा, डॉट डॉट डॉट, जितना बार रहेगा उतना बार ही ये मल्टीप्लाई होगा। जो पी एन है उसमें पी को, ये जो पी है इसको आधार माना गया है, पी को आधार माना गया है। और एन है, जो ये एन है इसको घातांक माना गया दोस्तों। अब इसी में कुछ पावर के नियम हैं उसको देख लेते हैं। अब पावर के कुछ नियम हैं दोस्तों, अब पावर के नियम देख लेते हैं क्या होता है। तो मैं लिख देता हूँ पावर के नियम लिख देता हूँ दोस्तों। अब देख लीजिए पावर के नियम क्या होता है। पहला है पावर के नियम, जैसे a^m (a^n) इक्वल टू होता है दोस्तों a^m + n। मतलब कि अगर बेस सेम होगा तो ये देखिए a का पावर है m और a का पावर है n। अगर बेस सेम होगा तो पावर क्या होता है दोस्तों, पावर जुड़ जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने लिखा 5^2 × 5^2। मान लीजिए दोस्तों 5^3 ले लेता हूँ, तो ये बेस सेम, देखिए यहाँ भी बेस है ये भी बेस है, दोनों जगह 5 है। अगर बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, 2+3 हो जाएगा दोस्तों। अब आप बोल सकते हैं कि 5^5 है। अब ये देखिए 5^5 है तो आप इसको कह सकते हैं कि ये 5 है ना, जो 5 है ये 5 और गुना होगा 5 × 5 × 5 × 5, यानी कि 5 बार गुना होगा। तो अगर इसका 5^5 अगर करते हैं दोस्तों, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये 3125 होता है दोस्तों। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, नहीं तो आप इसे याद रखिएगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरा रूल देखते हैं हम लोग। दूसरा रूल क्या है दोस्तों, दूसरा रूल है a^m (n) तो इसको हम लोग लिखते हैं दोस्तों
इंटू एन, ठीक है, ए टू द पावर एम और उसका ब्रैकेट एम, तो इस ऐसे रहेगा तो ए टू द पावर एम और एन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोस्तों। अब जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लिखा, मान लीजिए यहाँ पे टू है और टू द पावर टू है और टू द पावर टू है और यहाँ पे मैंने थ्री लिखा, ठीक है, ए टू द पावर एम, ये टू ए का काम कर रहा है, एम टू का काम कर रहा है और एन थ्री का काम कर रहा है दोस्तों। अगर इसे आप सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, टू इसी फॉर्म जैसे मैंने ये फॉर्मूला लिखा है तो कितना हो जाएगा टू इंटू थ्री, ठीक है दोस्तों। अब ये जो पावर है इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा थ्री टू या सिक्स, यानी कि दो कितने बार है दोस्तों, कितने बार है तो हमारा छः बार है, आप ऐसे लिख सकते हैं, ये आपने अपने क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको अगर दो का पावर छः आपको याद होगा दोस्तों तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, नहीं याद है तो सिंपल सी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, दो दोनों चार, चार दोनों आठ, आठ दोनों सोलह, सोलह दोनों बत्तीस, बत्तीस दोनों चौंसठ, तो आपका ये चौंसठ आंसर आएगा दोस्तों, तो ये आपका चौंसठ आंसर आ गया दोस्तों। चलिए कुछ और रूल सीखते हैं, लगभग दस से बारह रूल हैं दोस्तों, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं, मैं आगे को बढ़ता हूँ। अब पावर के नियम का तीसरा नंबर है दोस्तों, तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर क्या कहता है दोस्तों, मान लीजिए ए टू द पावर एम है और अपॉन में ए टू द पावर एन है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ए टू द पावर एम माइनस एन। जस्ट फॉर एग्जांपल देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए यहाँ पे फाइव टू द पावर थ्री है और यहाँ पे फाइव टू द पावर टू है, तो आपको ये बेस सेम नीचे ऊपर है, देख लीजिए ये फाइव, ये दोनों सेम होना चाहिए दोस्तों, तो आप इसको फाइव टू द पावर थ्री और ये मैंने किया था तो ये माइनस टू, आप इसे सॉल्व करिएगा, फाइव तीन में से दो गया तो एक, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों फाइव, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर चार क्या कहता है, रूल नंबर चार क्या कहता है कि अगर ए टू द पावर माइनस एन है, ए टू द पावर माइनस एन है, तो आपको आप इसे वन बाई ए टू द पावर एन लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टू का पावर माइनस थ्री, तो आप इसे वन बाई टू का पावर तीन लिख सकते हैं दोस्तों, और आप इसे सॉल्व कर लीजिए, वन बाई कितना हो जाएगा टू का क्यूब कितना हो जाता है दोस्तों, तो आठ। चलिए आप इसे चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों, लिख सकते हैं, पॉज करके लिख दीजिए, मैं आगे को चलता हूँ रूल नंबर पाँच की ओर। अब ये रूल नंबर पाँच क्या कहता है दोस्तों, रूल नंबर पाँच, मान लीजिए ए टू द पावर माइनस वन वन बाई एन है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं वन बाई ए टू द पावर वन बाई एन। एग्जांपल के तौर पे समझ लीजिए दोस्तों कि अगर आपके पास है फाइव टू द पावर माइनस एक बाई चार, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों वन बाई पाँच की पावर एक बाई चार लिख सकते हैं दोस्तों, आप इसे फर्दर आगे सॉल्व कर लीजिएगा।
चलिए हम रूल नंबर 6 की ओर चलते हैं कि रूल नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों। अगर कोई भी नंबर है और उसका पावर कितना है, 0, तो उस नंबर का पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 होता है दोस्तों। एग्जांपल के तौर पर समझिए कि अगर 5 to the power 0 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों 1। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब रूल नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों। अगर एन रूट ए रहे, ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 8 to the power 1/n। एग्जांपल के तौर पे समझिए क्या होता है। आपको पता है दोस्तों कि जो रूट होता है, रूट का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया मैंने 4 लिख दिया और इस पे रूट चढ़ा दिया, तो आप इसे 4 to the power 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर ठीक है रूट का पावर 1/2, तो मैंने 4 का पावर 1/2 लिख दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पे रूट और ये 3 हुआ, तो आप इसे 6 के पावर 1/3 लिख सकते हैं दोस्तों। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। आइए अगला रूल के बारे में सीखते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों। रूल नंबर 8 क्या कहता है कि 8 to the power m है और उस पे रूट और यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो क्या इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, 8 to the power m/n, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए यहाँ 5 है, ठीक है, और इसका पावर 2 है और यहाँ पे ये मान लीजिए ये क्यूब है, तो आप इसे 5 का पावर 2/3 लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए रूल नंबर 9 क्या कहता है। रूल नंबर 9, अगर a to the power m/n रहेगा, m/n, तो आप इसे a to the power m/(1/n) लिख सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको नकार नहीं सकते, ठीक है। मैंने m को अंदर रखा और n को ब्रैकेट से बाहर लिख लिया दोस्तों। आप इसे एक और तरीका से मैं बता देता हूँ कि 8 to the power 1/n और m को आप बाहर लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत यूजेज आएंगे, ठीक है। अब रूल नंबर 10 क्या कहता है। रूल नंबर 10, अगर 1/a है तो आप इसे a to the power -1 लिख सकते हैं दोस्तों। एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है 1/6 है, ठीक है, 1/6 है। यहाँ पर देख लीजिए कि 1/6 है, तो आप इसे 6 का पावर -1 लिख सकते हैं दोस्तों। अब रूल नंबर 11 क्या कहता है। रूल नंबर 11, मान लीजिए यदि a/m है दोस्तों और = a^n है, n है, तो क्या हम लोग
क्या हम लोग अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, ठीक है, लाइक सेम नहीं बराबर होना चाहिए। अगर बेस बराबर है तो पावर भी बराबर होना चाहिए। अब रूल नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों, अगर अगर ए टू दी पावर पी है, ए टू दी पावर पी है और बी टू दी पावर भी पी है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये पावर्स पावर अगर बराबर है तो बेस भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर पावर अगर बराबर है, चलिए इसमें एग्जांपल मैंने नहीं बताया था, एग्जांपल इसमें देख लीजिए। मान लीजिए 4 का पावर 3 है, 4 का पावर 3 है और 4 का ही पावर 5 है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक ना, ये फॉर्मूला के अनुसार 3 = 4 आप कह सकते हैं, गलत नहीं कह सकते हैं आप इसे, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मान लीजिए 5 का पावर 4 है और यहाँ पे 5 का पावर सॉरी यहाँ पर अलग ले लेता हूँ, मान लीजिए 7 का पावर भी 4 है, तो आप ये अगर पावर सेम है तो बेस भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आइए कुछ और देखते हैं, कुछ याद करने वाला जो इसमें महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए दोस्तों, कुछ याद रखने वाली बात क्या है कि ये सीधे क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा, जैसे कि मैंने भी एग्ज़ाम दिया है तो उसमें सीधा ये क्वेश्चन ऐसे पावर आपको दिख जाएंगे, आप उसे याद रखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। देखिए मैं लिख देता हूँ, याद रखने वाली बात क्या है कि अगर 2 का पावर 3 है तो ये इसका होता है वैल्यू दोस्तों 8, 2 का पावर अगर 6 है तो इसका वैल्यू होता है दोस्तों 64, अगर 3 का पावर 5 है तो इसका हो जाएगा दोस्तों वैल्यू 243, अगर 2 का पावर 8 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 256, अगर 6 का पावर है दोस्तों 3 तो हो जाएगा इसका 216। अब देखिए दोस्तों, अगर 2 का पावर है 9 तो हो जाएगा इसका वैल्यू दोस्तों 512, अगर 3 का पावर है 3 है दोस्तों तो इसका वैल्यू हो जाएगा 27, अगर 5 का पावर है दोस्तों 5 इसका वैल्यू हो जाएगा 3125, अगर 4 का वैल्यू है दोस्तों 4 इसका वैल्यू हो जाएगा 256, अगर 7 का पावर है 3 इसका वैल्यू हो जाएगा 343। कुछ और है दोस्तों, 2 का पावर है 7 इसका वैल्यू हो जाएगा 128, अगर 3 का पावर है दोस्तों 4 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 81, अगर 5 का वैल्यू है 4 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 625, अगर 9 का पावर है 3 इसका वैल्यू हो जाएगा 729, अगर 7 का पावर है दोस्तों 4 तो हो जाएगा 2401। ये सारी बातें ये पावर वाली आप याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पेपर पे डायरेक्ट ये रहता है, आप याद रखिएगा तो सीधा आप सवाल को बना सकते हैं दोस्तों, आपको गुना करने की जरूरत, आपका कैलकुलेशन जो होगा बहुत ही फास्ट होगा, आप इसे याद रखिएगा।
आप चाहें तो इसे कहीं नोट डाउन लिख लीजिए कहीं पे और आप इसे याद रखिएगा। चलिए इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे बोर्ड पे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देख लीजिए सारा जो है 5 का पावर 3 है, फिर 5 का पावर स्क्वायर है, ठीक है, और ये क्या है 125 का पावर 2 है दोस्तों, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देख लीजिए अगर ये हम लोग का टारगेट क्या रहेगा दोस्तों कि सारा का जो बेस है सेम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो बेस है सेम नहीं है, ये 5 है ये भी 5 है, तो इसको भी हम करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो ये कर लेंगे 5 का पावर 3 और 5 का पावर 2, और इसका हम लोग कर लेते हैं दोस्तों 5 का पावर 3 और पावर में ये देख लीजिए ये होल हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हैं अगर 5 का क्यूब करिएगा तो 125 होता है और इसका पावर 2, तो ये गलत नहीं है इस तरीके से हम लोग लिखे तो। तो आगे क्या कर सकते हैं दोस्तों, 5 का पावर 3 5 का पावर 2, क्या मैंने एक फार्मूला बताया था दोस्तों कि अगर बेस से और ऐसे ये ब्रैकेट वाला, वो फार्मूला आपको याद होगा दोस्तों, मैंने एक फार्मूला बताया था दोस्तों क्या था, ए टू दी पावर एम ब्रैकेट और एन। तो हम लोगों ने क्या किया था दोस्तों, ए टू दी पावर एम इंटू एन, ठीक है, ए टू दी पावर एम इंटू एन लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे वो है ए फाइव काम कर रहा है और एम के जगह पे 3 और एन के जगह पे 2 काम कर रहा है, तो दोस्तों आप इसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 × 6। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों, ये 3 × 6 मैंने कर दिया। अब आप देख सकते हैं सारा का जो बेस है सेम है, तो बेस सेम, तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, बेस सेम है ए टू दी पावर एन है और ए टू दी पावर एन है, तो बेस सेम तो पावर जुट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं सारा का जो बेस है सेम है, तो बेस सेम तो पावर आप जोड़ लीजिए दोस्तों, 5 का पावर 3 फिर 5 का पावर 2 और 5 का पावर 6, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। कितना हो जाएगा, 5 पावर कितना जोड़ लीजिए, 3 × 2 = 5 = 6, यही आपका आंसर है दोस्तों। आप इसका पूरा कैलकुलेशन करिएगा तो बहुत बड़ा नंबर आएगा दोस्तों, ठीक है, आपके ऑप्शन में ये 5 का पावर 11 ही होगा दोस्तों। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे है दोस्तों, इसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये देख लेते हैं। ये आपको ये फॉर्मूला आपको याद होगा दोस्तों, अगर ए टू दी पावर एम है और रूट में एन है, तो हम लोग इसे ऐसे लिखते थे दोस्तों, ए टू दी पावर एम बाई एन, ठीक है। तो उसी तरीके से है दोस्तों, हम इसे ऐसे ही लिखेंगे। देख लीजिए तो ए का काम कर रहा है कौन, 27 और एम का काम कौन कर रहा है दोस्तों, तो 4 लिख लेते हैं, और एन का काम कौन कर रहा है दोस्तों, कौन कर रहा है, तो 3, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आप देखिए दोस्तों, 3 का पावर अगर हम 3 लिखते हैं दोस्तों, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, 27। तो हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 इसका 4/3। अब आप देख सकते हैं अगर यहाँ पे है तो आप इसे बाहर निकाल सकते हैं, तो 3 और इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 पावर 4/3, 3 आप काट दीजिएगा, तो बचा हमारे पास कितना दोस्तों, 3 का पावर 4। अगर आप इसका निकालिएगा तो आपका आ जाएगा दोस्तों 3 का पावर 4, मतलब कि 3 कितने बार, तो 4 बार। तो कर लीजिए 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, 27 × 3 = 81। आप इसे याद रखिएगा दोस्तों, मैंने पीछे बात बताया था। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसमें।
यहाँ तक आपको समझ में आया होगा दोस्तों, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और शेयर भी ज़रूर करिएगा। जितना ज़्यादा शेयर करिएगा मैं मोटिवेट होऊंगा और ऐसे ऐसे वीडियो आपके पास लाता रहूँगा दोस्तों। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, जिसमें टाइप वन ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, और उसके बाद मैं टाइप टू अगले वीडियो में लाऊँगा। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है कि 324 का पावर 0.18, और इसका है वही है 324 का पावर 0.18, और इसका है 324 का पावर 0.14। अब आप क्या कर लेंगे दोस्तों, वही फार्मूला लगाएंगे जिसका बेस सेम तो पावर जुटेगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ बेस सेम a इंटू एम प्लस ए टू द पावर n। तो मैंने क्या बताया था, ए टू द पावर बेस सेम तो पावर जुटेगा, तो बेस सेम तो मैं यहाँ पे पावर जोड़ूंगा दोस्तों। यहाँ देख लीजिए सारे में 324 पावर है, तो हम लोग 324 और सारे पावर को हम लोग जोड़ देंगे। ये देख सकते हैं दोस्तों, अब सारे पावर को जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, सारे पावर को जोड़ लीजिए दोस्तों कितना आएगा, देख लीजिए 8 4 12 12 8 20 के 0 बचा 2, फिर देख लीजिए 1 2 3 2 5 और 0 का 0 दोस्तों। तो आप 0.50 है तो आप 0.5 तो लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसका पावर 0.5 लिख देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि 0.5 है, अगर डेसिमल को हटाइएगा तो नीचे 10 आएगा, और काटिएगा तो 5 और ये 2। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं हम लोग कि 324 का पावर हाफ लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो 324 है, 324 है किसका स्क्वायर हो सकता है दोस्तों, किसका स्क्वायर हो सकता है, तो 18 का जो स्क्वायर होता है जो 324 होता है दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं, 324 के जगह 18 का स्क्वायर लिख लेते हैं दोस्तों, और इसका पावर हो गया 1/2। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, 324 के जगह मैंने 18 का स्क्वायर लिख लिया, गलत नहीं हो सकता है दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि 18 का पावर 2 है, इसका पावर होल इसका पावर 1/2 है। तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो 18 है, 18 का जो पावर 2 है, आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, बाहर हम लोगों ने निकाल लिया, और इसका देख लीजिए इनटू 1/2 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों। अब आप देख सकते हैं कि ये दो 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 कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, 18 का पावर 1 यानी कि 18 दोस्तों, यही आपका आंसर है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसका जो मेरे वीडियो आते हैं आता है वो आप उसका लुत्फ़ नहीं उठा सकते दोस्तों। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जाके कर ले दोस्तों, आप बेल नोटिफिकेशन को ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और अच्छे अच्छे वीडियो का आप लुत्फ़ उठाते रहें। और टाइप वन यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों, लगभग 5 टाइप में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। और आने वाला वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इसमें पिछले साल का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊँगा दोस्तों, ताकि आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा आ जाए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।